निब्बा निब्बी की लव स्टोरी बहुत ही रोचक और मनोरंजक है ये लव स्टोरी, तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में। एंडिंग काफी शॉकिंग है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले निब्बा निब्बी के लिए एक गाना तो बनता है। निब्बा को निब्बी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। तो शुरू करती हूँ स्टोरी ज्यादा बोर ना करते हुए। तो ये है निब्बी, खूबसूरत और इंस्टाग्राम पर सबकी क्रश और स्कूल में सबकी फेवरेट। निब्बी पढ़ाई में भी तेज है, निब्बी से तो सबको प्यार है, पर निब्बी को किससे प्यार है ये जानते हैं आगे स्टोरी में। तो ये है हमारे निब्बा जी, एक एवरेज लुकिंग बॉय जो पढ़ाई में भी एवरेज ही है। निब्बा जी कहते हैं निब्बी चाहे स्कूल के सभी लड़कों की क्रश है पर उनका प्यार कुछ अलग ही है, इसीलिए निब्बा जी हमेशा निब्बी के पीछे पीछे चले ही रहते हैं। वैसे बाकी लड़के भी चले ही रहते हैं स्कूल के, बाकी सब लड़कों की तरह निब्बा जी भी मौके की तलाश में है, कभी स्कूल बस में तो कभी मंदिर में मौका ढूंढते ही रहते हैं। और एक दिन वो मौका निब्बा जी को मिल ही गया मंदिर में, जब निब्बी को अकेली देख के उनको प्रपोज कर दिया, वो भी लव लेटर देकर। निब्बी को निब्बा के प्रपोज करने का तरीका बहुत पसंद आया, तो बना लिया निब्बी ने निब्बा को भी अपने तीन चार बॉयफ्रेंड में से एक बॉयफ्रेंड। अब निब्बा निब्बी मिलने लगे और निब्बा को निब्बी से बहुत ही दिलो जान से प्यार हो गया, एक इश्क ही हो गया। जो होता है ना बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। निब्बा तो दिन ब दिन सेंटी ही होता जा रहा था और रोज सोचता आज निब्बी को कैसे इम्प्रेस करूं। तो एक बार निब्बी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ही निब्बा सड़क पर गिफ्ट लेने जा रहा था, तो यहाँ निब्बा देखता है निब्बी को एक दूसरे लड़के के साथ आशिकी लड़ाते हुए। ये देखकर निब्बा हो जाता है आग बबूला और एक एक घूसा दोनों निब्बी और उसके बॉयफ्रेंड को जड़ देता है। निब्बी से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो भी मारती है निब्बा को जोर से और निब्बा गिर जाता है। साफ साफ निब्बा को बोल देती है कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, ये लड़का ही मेरा बॉयफ्रेंड है। निब्बा निब्बी से सॉरी बोलता है पर निब्बी बोल देती है निब्बा को मुझे तुमसे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखनी, तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अब निब्बा का तो जैसे दिल ही टूट जाता है, उसे दूसरे लड़के पे भी बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता जब निब्बी ही उसको कुछ नहीं मानती। निब्बा फिर भी निब्बी से दोस्ती बनाए रखता है और सोचता है एक ना एक दिन निब्बी को जरूर पटा लेगा। पर निब्बी का दूसरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अमीर है और रोज रोज निब्बी को वो नए रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेके जाता है। निब्बी भी अब मस्त है अपने इस नए बॉयफ्रेंड के साथ, अब निब्बी को नहीं है निब्बा में कोई इंटरेस्ट। अब एक दिन आ ही जाता है जब निब्बी निब्बा से बोल ही देती है कि अब मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, किसी भी तरह की कोई दोस्ती नहीं रखनी तुमसे। निब्बी देखती है कि निब्बा तो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा और उससे ब्रेकअप नहीं कर रहा, तो ये देखकर निब्बी निब्बा को छोड़ के चली जाती है एक दिन और बोल देती है आज के बाद मेरा पीछा मत करना, मुझे अब कोई दोस्ती नहीं रखनी तुमसे। निब्बा के बहुत रोकने पर भी निब्बी उसकी एक नहीं मानती और उसको छोड़कर चली जाती है। निब्बा हो जाता है हताश और परेशान और बहुत दुखी, वो अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा, पढ़ाई ना कर कर वो सिर्फ निब्बी के बारे में ही सोच सोच कर परेशान होता है। तो यह सोचकर एक दिन वो निब्बी से दोबारा मिलता है और बोलता है कि अब नहीं करेगा उसको कभी परेशान और कभी नहीं बोलेगा बॉयफ्रेंड बनने के लिए, बस उससे दोस्ती रख ले। निब्बा बोलता है वो बस पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता है, तो ये सुनकर निब्बी उसकी बात मान लेती है और उसे दोस्ती रखती है और निब्बा अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है और निब्बा और निब्बी की दोस्ती भी ऐसे ही चलती रहती है। निब्बी के बॉयफ्रेंड बनते रहते हैं और बदलते रहते हैं पर निब्बा बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और बहुत ही मेहनत करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब निब्बा की एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है पर निब्बी का अब एक और भी अमीर बॉयफ्रेंड बन चुका है, पर फिर भी निब्बा सोचता है कि अब उसकी नौकरी लग चुकी है तो वो उसको प्रपोज करेगा। तो निब्बा निब्बी से जाकर बोलता है कि अब मेरी नौकरी लग चुकी है, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पर निब्बी को अब निब्बा की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि निब्बी बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है और उसने एक बहुत ही अमीर बॉयफ्रेंड को पटा लिया है। इस बार भी निब्बी ने निब्बा को रिजेक्ट करते हुए बोला कि तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे दोस्त हो पर मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते क्योंकि मुझे चाहिए एक अमीर बॉयफ्रेंड। और निब्बी बोलती है निब्बा से कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो महीने का 2 लाख रुपया कमा कर दिखाओ, तब जाके करना बॉयफ्रेंड बनने की बात। निब्बी की ऐसी बातें सुनकर निब्बा के दिल पर गहरी चोट लगती है और उसे बहुत सदमा लगता है। 5 दिन तक वो ऐसे ही
समुद्र के किनारे बिना कुछ खाए पिए बैठा रहता है, पर फिर खुद को हौसला देते हुए वो कुछ ऐसा डिसाइड करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। निब्बा ने डिसाइड किया कि वो बहुत मेहनत करेगा और एक बिजनेस खोलेगा और करोड़पति बन के दिखाएगा। सोचने के बाद निब्बा अपनी पूरी मेहनत से अपने काम में लग जाता है और दिन रात 10 साल मेहनत करने के बाद एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसका बिजनेस काफी ग्रो कर जाता है और उसने बहुत सारे लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। अब निब्बा का नाम इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में आ जाता है, पर निब्बा अपनी निब्बी से दोस्ती भूला नहीं। अभी भी निब्बा निब्बी से फोन पर बात करता रहता है। एक दिन निब्बा को निब्बी की यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट बुलाते हैं। वहाँ निब्बी से निब्बा की मुलाकात होती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलाती है। निब्बा को निब्बी से मिलकर पता चलता है कि उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और वो नौकरी ढूंढ रही है, इसलिए निब्बा उसको बोलता है कि वो चाहे तो उसके ऑफिस में काम कर सकती है। निब्बी को बिना नौकरी ढूंढे एक अच्छी नौकरी मिल रही है, इसलिए वो नौकरी को स्वीकार कर लेती है। एक दिन निब्बा अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए नए शहर में जाता है और वहाँ पे देखता है वो निब्बी के अमीर बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ। निब्बा देखता है कि निब्बी का बॉयफ्रेंड तो उस लड़की के साथ बहुत अश्लील हरकतें कर रहा होता है। ये देखने के बाद निब्बा निब्बी के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ और पता लगाने की कोशिश करता है। ज्यादा पता लगाने पर उसको पता चलता है कि निब्बी का बॉयफ्रेंड तो एक आवारा आशिक है और बहुत सारी लड़कियों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। निब्बा कुछ दिन उसी शहर में होता है तो उसको और पता चलता है निब्बी के अमीर बॉयफ्रेंड के बारे में कि निब्बी का बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। निब्बी के अमीर बॉयफ्रेंड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद निब्बा खुद को नहीं रोक पाता और जब वो अपने ऑफिस वापस जाता है तो निब्बी को ये बात बता देता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक आवारा है जिसके बहुत सारे अफेयर हैं और वो शादीशुदा भी है। पहले तो निब्बी अपने बॉयफ्रेंड की असलियत मानने से मना करती है, पर बाद में जब उसे असलियत पता चल जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। मन ही मन में वो सोच सोच के परेशान है कि निब्बा जैसे अमीर और अच्छे लड़के को ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती की। पर अब निब्बी सोचती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर निब्बा से ही दोबारा दोस्ती करेगी और उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी क्योंकि वो एक अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो निब्बा की कंपनी में काम करते हुए निब्बी अपनी कोशिश जारी रखती है निब्बा को बॉयफ्रेंड बनाने की। तो ये बात जब कंपनी की MD को पता चलती है कि निब्बी निब्बा को पटाने की कोशिश में है तो वो निब्बी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसी वक्त ये नौकरी छोड़ने को बोलती है। उसके बाद कंपनी की MD जो निब्बी को बताती है वो सुनकर के निब्बी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कंपनी की MD जो कि फॉरेनर है वो निब्बी को बताती है कि वो निब्बा की वाइफ है। निब्बा मैरिड है ये तो निब्बी को कभी नहीं पता था। ऊपर से ये इससे भी ज्यादा शॉकिंग था निब्बी के लिए कि कंपनी की MD जो कि इतनी स्मार्ट सक्सेसफुल और सुंदर है वो निब्बा की वाइफ है। इस सब के बारे में निब्बा ने कभी भी निब्बी को क्यों नहीं बताया, यही सवाल पूछने के लिए निब्बी एक बार आखिरी बार निब्बा से ऑफिस में मिलने जाती है। निब्बी ये सवाल निब्बा से पूछ रही होती है तो निब्बा जो जवाब देता है ये सुन के निब्बी को और दर्द होता है। निब्बा बोलता है निब्बी से वो सिर्फ अपने खास दोस्तों को ही अपनी खास बातें बताता है और वो उसकी इतनी कोई खास दोस्त नहीं। निब्बी को निब्बा के पास देखकर निब्बा की फॉरेनर MD वाइफ आती है और उसको हग करती है। निब्बी वहां से चली जाती है पर उसका दिल टूट जाता है। निब्बी के पास ना कोई नौकरी है और ना ही कोई दोस्त, पर निब्बी को एहसास हो जाता है कि उसने निब्बा के साथ गलत किया इसीलिए उसके साथ भी ये हुआ। अब निब्बी अपने टूटे हुए दिल को संजोने की कोशिश में है। निब्बी को पता चल गया जैसे को तैसा ही मिलता है। और ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी ही स्टोरी और चाहते हो और किस टॉपिक के बारे में चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन से टॉपिक पे नई स्टोरी लेके आऊं।